नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। बलूची कार्यकर्ताओं ने जर्मनी के शहर ब्रिमन में निकाला विरोध मार्च। पाक सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, पाक सेना को आतंकी सेना करार दिया। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर आए अवैध प्रवासी, कहा पद संभालते ही देश से बाहर निकाले जाएंगे 30 लाख अवैध शरणार्थी। मैक्सिको से लगी सीमा पर दीवार बनाने की बात भी दोहराई। एक बार फिर भूकंप के झटकों से दहल उठा न्यूजीलैंड, दो लोगों की मौत। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.8 दर्ज की गई। इराकी सेना ने ऐतिहासिक धरोहरों से समृद्ध निमरुद को आईसिस के चंगुल से छुड़ाया, शहर पर किया कब्जा। प्राचीन मध्य पूर्व की राजधानी है निमरुद। मिस्र में पुरातत्वविदों ने खोजी सदियों पुरानी ममी, चमकीले रंग के लकड़ी के ताबूत में मिली। चौथी सहस्राब्दी के राजा थुतमोस तृतीय के युग में एक मंदिर के पास दफनाई गई थी ममी। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।